साथियों, हमारी सेनाओं में किस तरह बदलाव आ रहा है उसका एक और अहम पक्ष मैं सभी देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। मुझे बताया गया है कि अभी नेवी में करीब 600 महिला ऑफिसर्स हैं, लेकिन हम इंडियन नेवी ने अपनी सभी शाखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया है। जो पाबंदियां थी वो अब हट रही है। जैसे समर्थ लहरों के लिए कोई दायरे नहीं होते, वैसे ही भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दायरे या बंधन नहीं है। अभी एक दो साल पहले वुमेन ऑफिसर्स ने तारिणी बोर्ड से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी। आने वाले समय में ऐसे पराक्रम के लिए कितनी ही बेटियां आगे आएगी, दुनिया को अपनी शक्ति से परिचित करवाएगी। नेवी की तरह ही तीनों सशस्त्र सेनाओं में युद्धक भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। उनके लिए नई जिम्मेदारियों के रास्ते खोले जा रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भरता और आजादी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। जो देश जितना किसी दूसरे देश पर निर्भर है उतना ही उसके लिए संकट है। जो देश जितना आत्मनिर्भर है वो उतना ही सशक्त है। कोरोना के संकट काल में हम सभी ने आत्मनिर्भर होने की इस ताकत को देखा है, समझा है, अनुभव किया है। इसलिए आज भारत आत्मनिर्भर होने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रहा है। आज अगर अथाह समंदर में भारत की ताकत का उद्घोष करने के लिए INS विक्रांत तैयार है तो अनंत आकाश में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे हैं। इस बार 15 अगस्त को पूरे देश ने लाल किले से स्वदेशी तोप की हुंकार भी सुनी है। आजादी के 75 साल बाद सेनाओं में रिफॉर्म करके भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। हमारी सेनाओं ने ऐसे उपकरणों की एक लंबी लिस्ट भी बनाई है जिनकी खरीद अब स्वदेशी कंपनियों से ही की जाएगी। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 25% बजट भी देश की यूनिवर्सिटीज और देश की कंपनियों को ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में
दो बड़े डिफेंस कॉरिडोर भी विकसित हो रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए उठाए जा रहे हैं इन कदमों से देश में रोजगार के अनेकों नए अवसर पैदा हो रहे हैं।